हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे आज आपके साथ फिर से DIY के साथ डेकोरेशन फेस्टिवल के अनुसार मैं शेयर कर रही हूँ। राखी का त्यौहार आ रहा है तो सभी के घर सुंदर लगने चाहिए, तो मैं भी डेकोरेट कर रही थी अपने घर को, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ये वाली वीडियो। तो बताइएगा कैसी लगी आपको डेकोरेशन। तो यहाँ पे ये मेरे पास सोप डिस्पेंसर है, जो मेरा DIY है पहले से ही, तो मैंने इसको पेंट कर दिया पिंक कलर से। थोड़ा सा ये मैसी गंदा हो रहा था तो मैंने इसको अलग से रखा हुआ था, इसको पेंट अच्छे से कर दिया। और यहाँ पे ये वेस्ट कांच के गिलास मेरे पास पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं बना रही हूँ इनसे कैंडल होल्डर। तो इनके ऊपर मैंने अच्छे से साफ करके तो थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ ब्लैक से एक्रेलिक कलर से। तो इस तरीके के आपके पास कप या गिलास पुराने पड़े हों तो आप इस तरीके की चीज़ों को अपने घर की डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने सिल्वर कलर किया है बीच में, तो ये रात को जो है बहुत ही सुंदर लग रहा था। सिल्वर कलर मैंने अंदर से किया है, बाहर से मैंने कोई कलर नहीं किया। तो अच्छे से मैंने इसको पेंट कर दिया और सूखने के लिए रख दिया। और बीच में मैंने ब्लैक कलर के जो फूल बनाए हैं मैंने उसमें वाइट कलर का डॉट भी लगाया है। तो देखिए ये सूखने के लिए रखे हुए हैं। सॉफ्ट डिस्पेंसर वाले को मैं फ्लावर पॉट का रूप दूंगी। और इसको मैंने पिंक कलर से कलर किया था, फिर भी जो नीचे का कलर है ना ब्लू वाला वो नज़र आ रहा था, तो ऊपर से मैंने ब्लैक कलर से जो है इसकी आउटलाइन कर रही हूँ मोटी मोटी। तो जैसी भी इसमें बनी हुई है उसी को मैं उभार रही हूँ। और तो बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो मैं फेंक देती इसको, मैंने वॉल पुट्टी से ही बनाया था। एक गोल गत्ते में वॉल पुट्टी बॉटल का कवर था दवाई वाला, उसके अंदर मैंने वॉल पुट्टी भर के एक प्लास्टिक की बोतल को इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है। और एक सोप डिस्पेंसर मैंने बनाया था जिसको मैं यूज़ कर रही थी वॉश बेसिन पे। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखिएगा कि मैंने उसको किस तरीके से बनाया है। और सोप डिस्पेंसर था ये एक, तो इससे मैं बोर हो गई थी तो मैंने अलग से इसको निकाल के रखा हुआ था। अब मैं इसको बना रही हूँ, एक फ्लावर पॉट का रूप दे रही हूँ। इसके ऊपर मैंने की हुई है पेंटिंग, तो जो डिज़ाइन मुझे समझ आया और जो इस पर बना हुआ था मैंने उसी को दोबारा से उभार दिया है। तो बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा। और इधर जो है मेरे कैंडल होल्डर वाले गिलास जो मैंने पेंटिंग की है उसको भी मैंने रख दिया है सूखने के लिए, तो बहुत ही सुंदर बने हैं। तो वेस्ट गिलास से कप से आप इस तरीके से कैंडल होल्डर बना सकते हैं, और किसी भी कॉर्नर में इनको सजाएंगे मोमबत्ती डाल के तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके के आइडिया आप भी यूज़ कीजिएगा और बताइएगा आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन भी बन गया, इसको भी मैं सूखने के लिए रखूँगी। और इन तीनों चीज़ों को सूखने के लिए रख दिया है मैंने। और आप इस तरीके की डेकोरेशन करेंगे तो अपने आप को भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं रात के समय ही डेकोरेशन कर रही हूँ, तो इस समय मैंने सोफे का कवर चेंज कर दिया है। तो छोटे छोटे चीज़ों से ही घर को चीज़ों को बदलो तो डेकोरेशन करो तो अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पर मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिए। आज एज मैंने जो है गोल्डन थीम रखी है अपनी डेकोरेशन की। गोल्डन कवर मैंने बिछाए हैं, गोल्डन कुशन कवर बिछाए हैं। तो राखी का त्यौहार है तो इसमें जो मैंने गोल्डन कलर की थीम रखी है, मैंने सेंटर टेबल में भी जूट का कवर बिछाया गोल्डन कलर का। DIY है ये मेरा। और राखी के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं तो राखी की जो मैंने थाली आपके साथ शेयर की थी बनानी वो भी रख दी। खाने पीने की कुछ स्नैक्स रखे हैं। और मेरी डेकोरेशन आपको पता है प्लांट्स के बिना अधूरी है, तो यहाँ पर मैंने प्लांट्स भी रख दिए, इनडोर प्लांट्स है सारे। और यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को जो मेरे पास थी थोड़ा थोड़ा चेंज करके रखा है। यहाँ पे फ्लावर पॉट में देखिए जो बनाया उसमें मैंने रखे हैं ये आर्टिफिशियल अपने फ्लावर, और हिरन रख दिए, यहाँ पे एक प्लांट रख दिया, और जो ये पॉट था इसमें भी फ्लावर चेंज कर दिए। और सारी डेकोरेशन हो गई है। तो बताइएगा आपको कैसी लग रही है डेकोरेशन। इधर सारे प्लांट्स हैं, तो रात का व्यू है थोड़ा सा ये, तो बताइएगा आपको ये डेकोरेशन कैसी है। प्लांट्स ज़रूर अपनी डेकोरेशन में ऐड कीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। और जैसे भी आपके पास चीज़ें हैं, पुराने बर्तन आप किचन के पित्तल के रख सकते हैं अपनी डेकोरेशन में। और यहाँ पे आ गई सोने की चारपाई, गोल्डन चारपाई है ये। और टेराकोटा की मूर्तियाँ मैंने शू के केस के पास रख दी हैं, शू रह के इधर रख दी। और यहाँ पर जेन कॉर्नर मैंने रिक्रिएट किया है, तो बुद्धा जी की मूर्ति मैंने यहाँ रखी। और पौधे, आर्टिफिशियल बेल, तो सबसे मैंने यहाँ पे देखिए इंडोर में डेकोरेशन कर दी। त्यौहारों पे आप भी अपना घर इसी तरीके से सजाइए। और ये वाली डेकोरेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, बताइएगा कैसी लगी।
बताइएगा आपको आज की डेकोरेशन कैसी लगी मेरी प्लांट्स के साथ। और मेरी जो भी चीज़ें घर में होती हैं मैं उन्हीं से डेकोरेशन करती हूँ, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाती हूँ। तो त्यौहारों पर अपने घर को ज़रूर सजाइए और आने वालों का स्वागत कीजिए। और अच्छे से देखिए प्लांट्स ज़रूर लगाइए घर के अंदर, इनडोर में प्लांट्स लगाना ज़रूरी है। और प्लांट्स से ही घर में एकदम नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है, अच्छी वाइब्स आती है। और जेन कॉर्नर ज़रूर क्रिएट कीजिए। और देखिए स्नेक प्लांट है, और मैं बताती रहती हूँ अपने वीडियो में आपको कौन कौन से प्लांट इंडोर हैं। देखिए मेरी स्टोन पेंटिंग मैंने यहाँ पे सजा दी। तो बताइएगा आज की डेकोरेशन वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।